चलिए आज के क्लास में मैं आपको एक और बहुत ही शानदार चीज बताने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त चीज है वो भी इस इसी एनिमेशन को और भी और रियलिस्टिक करेगा किस तरीके से करेगा तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें सबसे पहले कुछ इमेजेस लेने दो तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रोड की इमेजेस ले लेता हूँ एक ठीक है रोड साइड वाली इमेज ले लेता हूं एंड आई थिंक हमने ये वाली इमेज ले रखी है तो हमें यहां से ले लेते हैं ट्री एंड हम ले लेते हैं पी हम कुछ पेड़ ले लेते ले हैं जिसको हम थोड़ा सा पी में एंड थोड़ा सा कार्टूनिक ही रखेंगे अगर आप जैसे ये है तो हम इस पेड़ को रखेंगे तो ये पेड़ को भी हम यूज करेंगे अगर तो हम इसको थोड़ा सा कार्टूनिक रखेंगे मतलब बहुत रियलिस्टिक पेड़ अगर आप डालोगे तो मजा नहीं आएगा तो थोड़ा सा आपको कार्टूनिक पेड़ ही रखना है ओके सो लेट लेट मी चेक दिस जैसे ओके सो okay, so ये वाली पेड़ ले लेते ले हैं ले हम सेव एच कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं और यहाँ से और भी एक दो पेड़ ले लेते हैं जैसे ये वाली पेड़ भी ले सकते हैं देख लो कि पहले पीएन है कि नहीं तो पी होगा तभी लेना तो सा कार्टून वाला भी अगर पेड़ लोगे तो चलेगा बट अभी जो भी मेरे को मिल रहा है मैं वो ले लेता सो तो आज का जो चैप्टर है ना बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत इंटरेस्टिंग आपको बहुत मजा आने वाला है सो मैं आपको दिखाता हूं हाँ जैसे ये ले, ले लेते हैं एंड आई थिंक ये तो ऐसा ही पेड़ मुझे चाहिए ये वाला देखें ओके okay, सो so मैं ना इसको ले लेता हूं सेव इमेज कर लेता हूं मुझे ये पेड़ ही चाहिए था तो मैं ये ले, ले लेता हूं क्योंकि मुझे ना इसको थोड़ा सा वो करना है तो हम फोटोशॉप को भी ऑन कर लेते हैं साथ ही साथ ठीक है ओके सो आई थिंक आई विल टेक दिस वन एंड गो टू दिस एंड दिस इन दोनों को लेते हैं और ले लेते हैं फोटोशॉप में फटाफट एंड फोटोशॉप में मैं क्या करूंगा कि इसको सेलेक्ट सब्जेक्ट करूंगा इसको माइनस करेंगे और ये करेक्टर पूरा सिलेक्ट है इसको कर लेंगे कंट्रोल जे इसको बंद करेंगे एंड कंट्रोल एल करके इसको थोड़ा सा हम इसका कलर डार्क कर लेंगे एंड सेव करेंगे इसको सेव ऑन योर कंप्यूटर एंड मैं कर लेता इसको बॉय और यहां से हम ले लेंगे पी एन जी पी एन जी डन देन विल गो टू दिस वन एंड विल सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हमारा पूरा पेड़ सिलेक्टेड है कंट्रोल जे नीचे वाले को बंद करेंगे कंट्रोल पहले कंट्रोल एल करते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं एंड इसको भी हम कर लेते हैं पी एन जी इसको कर लेते हैं ट्री एंड पी एन जी हम देते हैं एन जी डन ये हो गया हमारे पास चलिए परफेक्ट अब मैं जाऊंगा यहां पे राइट क्लिक करूंगा इंपोर्ट फाइल एंड गो टू ट्री बॉय एंड मुझे लेना था वो रास्ता ये वाला रास्ता चलिए डन तो हमने इसको ले लिया अब हम क्या करेंगे कि ये इसको हम डाल देंगे यहां पे एंड इसको मैं ऐसा बड़ा कर लेता हूं एंड अभी आप ध्यान से समझिएगा बहुत ही शानदार सा चीज मैं आपको बता रहा हूं तो हमने यहां पे इसको डाल दिया अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें यह ये पेड़ को अच्छा एक और पेड़ था हमारे पास ट्री तो इसको भी हम ले लेते हैं अब ये पेड़ को हम यहाँ पे लगा देते तो हैं पे हमने लगा दिया इसको छोटा करेंगे इसको यहां पे ऐसे डाल देंगे जैसा रोड के किनारे पेड़ होता है तो हम उस तरीके से इसको डाल देंगे फिर हम इस ट्री को भी लेंगे हम इसको तो भी यहां पे डाल देंगे और इसको भी हम इधर

भी एक घास का मास्क एक बना लिया देखो अभी आ गया ये अब देखो पेड़ उसके अंदर चला गया है अब यहां जाऊंगा एफ एफ प्रेस करेंगे एफ, एफ सोता फेदर तो हम इसको थोड़ा सा फेदर दे देंगे देखो एकदम ओरिजिनल लगेगा कि हाँ ये रोड के किनारे ही है डन अब मैं क्या करने वाला हूँ मैं यहां पे बॉय को लेने वाला हूं और बॉय को यहाँ पे डाल दूंगा तो ये हमारे पास बॉय भी आ गया एंड मैं इसको छोटा करूंगा अब मुझे दिखाना है कि इस बॉय का एनिमेशन हम लोग एनिमेशन का ही क्लास कर रहे हुए फिलहाल तो ये जो मैं चीज दिखा रहा हूं ये आपको बहुत काम आने वाला है तो ये बात का ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा काम आने वाला है डन ये हो गया अब मुझे इसको दिखाना है एनिमेशन की ये जो बंदा है इधर से चल के इधर की ओर जा रहा है और ये सीन थोड़ी सी रियलिस्टिक दिखनी चाहिए राइट तो यहाँ पे आप क्या करोगे उसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जिससे आप सारी चीजों को आप एनिमेट करने में आपको काफी मदद मिलेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पेड़ को एनिमेट करना है तो मैं इस ट्री को पकड़ूंगा ये ट्री और मैं चाहता हूँ पचास सेकंड के मैं इसको तीस सेकंड का लेता हूं राइट क्लिक एंड ट्रिम क्रॉम टू वर्क एरिया तो ये हमारा तीस सेकेंड का भी हो गया अब मैं क्या करूंगा इसको सिलेक्ट करूंगा यहां पे रख लूंगा इसको एंड यहां पर आपको एक मिलेगा टूल जिसका नाम है पॉपेट रैप टुल इसके अंदर जाओगे पर्पेट रैप टुलिस क्लिक करनी है एंड देन यहां पे आना है आपको और इसके जड़ के पास क्लिक कर देना है फिर यहां क्लिक कर देना है एंड फिर यहां क्लिक कर देना है बस ये तीन जगह आपने क्लिक कर दिया अब मजेदार चीज देखो यहां पे जैसे आपने क्लिक किया अब आप यहां जाओ और यहां जागे इसको ऐसा कर अच्छा बीच में भी एक लगा देना यहां जाओ મે આ જાયેંગે પીરમ ટ્રી કો इधर કરેંગે ફેરિયા જાયેંગે એન્ડ ફિર ઇસકો થોડા સા એસે કરેંગે એન્ડ અબી મેં ક્યા કરુંગા કે સ્મેશ 1 પે જاؤંગા ડિફોર્મ પે ક્લિક કરુંગા એન્ડ ઇસકો ઇસકો મેં સે કોપી કર લેતા હું પહેલે અચ્છા યહાં સે આપ જાવ પહેલે ઇસકો સો કોપી કરો કંટ્રોલ સી કંટ્રોલ વી એન્ડ કંટ્રોલ V. आप चाहते इसको नजदीक कर लो इसको भी नजदीक करो इसको भी नजदीक करो, डन अब हम सेम जाएंगे पॉइंट थ्री पे इसको भी हम पकड़ेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी एंड आप मजेदार चीज देखो आपका पेड़ ऐसा हिलता हुआ नजर आएगा देखो अब आपको क्या करना है कि इन सबको ऐसे पकड़ना है एंड एफ नाइन प्रेस कर देना है तो अब ये पेड़ जो है ना और भी स्मूथली इसे हिलता हुआ नजर आएगा आपको देखिए ये देखो तो आपका पेड़ ऐसे हिलता हुआ नजर आएगा अब हमें क्या करना है कि अभी हमें सेम चीज करना है इसके ऊपर यहां पे तो हम यहां पे जाएंगे हमने इस ट्री को पकड़ा अगेन पॉपेट रैप टूल क्लिक पहले जड़ को फिक्स करेंगे क्योंकि यहां से यहां तक तो हिलेगा ही नहीं यहां पे फिक्स करेंगे अब यहां से अगर आपको पत्ते हीने तो पत्तों पे भी क्लिक कर लो ऐसे जिसको आपको हिलाना है उस पर क्लिक कर लो ऐसा हमने क्लिक कर दिया अब मैं यहां जाऊंगा अब यहां जाने के बाद याद रहे पेड़ नहीं हिलना चाहिए अब देखो इसके पत्ते हिलते हुए नजर आएंगे अब जाएंगे ये कर दिया डन अब आप यहां पे जाओ यहां पे जाकर डिफॉर्म में देखोगे आपने बहुत सारे मेस क्रिएट किए हैं जाहिर सी बात है ठीक है सबको ऐसे प्लेग पकड़ेंगे यहां से एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी कर लिया क्या देखो अब हम इसके अंदर जाएंगे पपेट मेस डिफॉर्म अब यहां पे जिस जिस को आपने हिलाया हुआ है जैसे ये है ये है ये है ये है जितना जितना को आपको लेना है एक साथ भी ले सकते हैं तो मैंने यहां से इतने का कॉपी कर रहा हूं बेस्ट रैंडम ऐसे डालने का है यह टूल आपको मोशन ग्राफिक्स करने में बहुत हेल्प करता है अभी मैं इन सबको पकड़ के यू कर दूंगा यू तो देखो ये अभी बंद हो गया पूरा का पूरा इफेक्ट मेस एंड डिफॉर्म अब हमें इनको ऑन करना है डन तो हमें सिर्फ इनको कॉपी करना है यहां से यहां पे आके अब कॉपी करो डन अभी आप इसको यहां से बंद कर लो प्ले करके देखो मैं इसको सेव कर देता हूं पहले डेट सिक्स ऑपेट अभी आप बाहर क्लिक कीजिए एंड अभी प्ले कीजिए देखिए आपका पेड़ जो है ना एकदम रियलिस्टिक वेव करता हुआ है देखो सी एकदम ओरिजिनल लगेगा आपको लगेगा कि हाँ रियल में ये पेड़ ऐसा हिल रहा है तो ये चीजें हम यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं अब हम सेम बॉय को भी करना चाहते हैं तो चलिए अब बॉय में ध्यान से देखना है। बॉय में क्या होगा कहाँ कहा, पोजिशन होगा जैसे एक पोजिशन यहां लगाएंगे एक यहां करेंगे एक घुटने पे एक कमर पे फिर एक यहां फिर एक घुटने पे एक यहां और एक यहां एंड साथ ही साथ हम मुंडी पे भी लगाएंगे यस yes. यहां भी लगाएंगे इसके पेट पे भी लगा देते हैं इतने सारे डिफॉर्म हो गए अब आप पहले ध्यान से समझो एक एक करके पहले करना है आपको तो सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें इसका पैर का करना है तो मैं यहां गया अब यहां गया ठीक है पहले मैं यहां हूं अब यहां से मैं यहां आया अब यहां के क्या होगा यहां के होगा ये कि ये जो पैर है जमीन पे आएगा ठीक है ये पैर यहां आएगा साथ ही साथ ये यहां आएगा और ऐसे उठ जाएगा फिर ये सब आगे आएंगे ऐसा और ये पैर ऐसे हो जाएगा अभी आप देखो बहुत रियलिस्टिक आपको फीलिंग मिलेगा यहां पे अब यहां पे बॉडी थोड़ा पीछे है तो हम बॉडी को थोड़ा आगे कर लेंगे एक्सैक्टली exactly. हमको एकदम एक एक करके ही काम करना है यहां पे जितने आप पॉइंट यहां पे ले रहे हो उस हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा अब देखो हमारा ये लग चुका है डन अभी हमें क्या करना है यहां जाना है एंड यहां जाने के बाद आपको वापस इसका जो ये पैर है अब पहले आप यहां पे इसको ये कर लीजिए अभी देखो यहां से हमने ये कर लिया कि यहां से ऐसे ये जा रहा है देन अभी मैं क्या करूंगा कि यहां पे जाऊंगा एंड यहां से मैं इन सबको ऑन करूंगा पहले देखो इसमें आप जितनी डिटेल में काम करने की कोशिश करोगे ना ये उतना डिटेल आपको देगा निकाल के क्या हुआ जस्ट अ मिनट ओके तो अगर आप देखेंगे अभी हम चाहें तो यहां ले जाके ये भी कर सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा एनिमेशन भी हमें करना नहीं होता है जनरली। मगर हम कर सकते हैं और इसके लिए क्या होता है ना इसके लिए आपको एक चीज और करना पड़ता है ध्यान रखिएगा इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको सारे पैर वैर अलग से निकाल के लाने पड़ते हैं मैं तो जस्ट ऐसे नॉर्मल दिखा रहा हूं आपको ये देखो डन अब आपको क्या करना है कि आपको इन सबको खोलना है जितने को भी आपने एडिट किया है यह हेंगो बाबा है ओके पूरा जितना भी मैंने लिया है उतना मैंने सेलेक्ट किया और मैं क्या करूंगा क्या उसको कॉपी करो कि थोड़ा हैंग करेगा मे भी मे मेरा कंप्यूटर ना फॉर्मेट खोज रहा है अब कुछ ज्यादा हो गया इसके अंदर अभी ओ भाई आजा ओके डन एंड हमने इसको सिलेक्ट किया डन एंड कर लेते कॉपी एंड यहां पे आगे कर देते पेस्ट सुबह हमने यहां पे कॉपी कर लिया अब अगर देखोगे तो ये इस तरीके से इस तरीके से कॉपी हो रहा होगा अभी देखो मैंने यहां पे ना बस इतना ही रखना करते हैं थोड़ा सा रुक जाओ एंड इसको हम कर लेते हैं यू डन तो अब देखोगे कि ये इसका पैर ना ऐसे 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 चल रहा है मगर ये मूव नहीं कर रहा तो मूव ऐसे नहीं करेगा तो आपको क्या करना होगा कि मूव के लिए पोजीशन प्रेस करना होगा एंड देन आप इसको यहां से लाके इधर ले सकते हैं अभी देखो अभी आपको ये लग, लड़का जो है वो लगेगा कि ये चल रहा है अभी आपको लगेगा कि ये लड़का ना एक्चुअल में चल रहा है लेकिन इतने अगर इस तरीके का आपको अगर एकदम डिटेल एनिमेशन करना है ना देन डेफिनेटली आपको क्या करना होगा कि आपको इसके पैर वगैरह ना सब फोटोशॉप से अलग करके लाने होंगे ओके सो लेट मी प्ले अब देखो अब आपको लगेगा कि ये जो बंदा है ना एग्जैक्टली exactly चल रहा है सो so, प्ले कर लेते हैं हम एक बार अभी प्ले हो जाएगा ये देख रहे हो देखो अभी एकदम बंदा चलता हुआ नजर आएगा लेकिन हाँ अभी इसलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि सी बात है इसमें प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या मैं इसको थोड़ा और दूर ले लेता हूँ प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हमारा ये जो बंदे का कैरेक्टर है ना दोनों एक साथ है अगर इसके पैर अलग अलग होते ना तो ये आप बहुत आराम से इसको चलाते हुए देख सकते हो तो दैट दैट इज द पपेट पिन पपेट पिन में कुछ भी चीजें होती है जैसे आपने बहुत सारे कार्टूनिक्स चीजें देखा होगा यहां पे कार्टूनिक चीजें हैं जैसे अभी जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को दिखाया था कि ये जो क्लाइंबिंग ओके सो मैंने इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं ताकि थोड़ा स्लो चले एंड कंट्रोल एस भी कर लो भाई अभी आप इसको प्ले करोगे ना तो देखो ये चलता हुआ आपको नजर आएगा और बहुत रियल नजर आएगा बस खाली ये प्रॉब्लम इसलिए प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे इसका पैर अलग अलग नहीं है सो so दैट्स लेकिन आपको देखो ये किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है बंदा एकदम रियल तरीके से अभी ये घसकता हुआ नजर आएगा क्योंकि यहाँ पे आपने आपने एनिमेशन नहीं करी है। तो ये जो आपने बनाया है ना इसमें आपको क्या करना है ये ये जो आपने बनाया है कि इसमें आपको आदमी लोगों का ना थोड़ा थोड़ा थो थो मुंडी हिलता रहेगा तो ये ना बहुत रियलिस्टिक दिखेगा बहुत रियलिस्टिक दिखेगा और ये देखो ये जो पैर चल रहे हैं ना ये जैसे चल रहे हैं उस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा बना सकते हो पूरा का पूरा आप यहां पे बना सकते हैं अभी जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं यहां पे मैं ले लेता हूं एक वेक्टर बॉय पीएनजी ये किस लिए होता है सपोज कोई एडवर्टाइज़ है अभी जैसे ये बच्चे को अगर हम ले ले सपोज ये बच्चा को अगर हम ले या फिर ये तो हमें पीएनजी चाहिए खास करके चलो तो तो इसको ले लेते हैं ये काफी बढ़िया कैरेक्टर मैं इसको लेके आपको एक चीज दिखाता हूं कि क्या कर सकते हो आप इसमें तो मैंने इसको लिया और सबसे पहले मुझे इसको फोटोशॉप में लेके जाना होगा एंड फोटोशॉप में जाके इसको आप सिलेक्ट सब्जेक्ट करें एंड कंट्रोल जे पीछे का ऑफ करना होगा कंट्रोल एल थोड़ी सी इसकी डार्कनेस बढ़ा लेते ताकि रियलिस्टिक दिखे एंड इसको हम कर लेंगे सेफ एंड यहाँ पे हमने कर लिया बॉय टू पी एन जी डन कम टू दफ्टर फैक्स राइट क्लिक इंपोर्ट फाइल एंड दिस इज द बॉय अभी वजह से ये बॉय यहां पे खड़ा है इसको हमने यहां पे रख लिया अब हमें दिखाना है कि ये जो बॉय है ना टाटा कर रहा है जैसे हाथ हिला रहा है टाटा कर रहा है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है ज्यादा करेंगे तो ये मजा नहीं आएगा आपको थोड़ा थोड़ा ही इसमें काम करना होता है बॉय टू को पकड़ो यहाँ जाओ एंड सीधा इसके यहां पे क्लिक करो यहां पे क्लिक लो यहां और यहाँ चूंकि ये पीएनजी है इसको जितना रियलिस्टिक बनाओगे उतना रियलिस्टिक बन सकता है क्योंकि हमें बॉडी का सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा हिलाना है इसलिए मैं यहां पे कर लिया अब यहां पे जाऊंगा अरे वो डन अरे वह अब जब ये यह यहां आएगा तो ये थोड़ा सा यहां जाएगा अरे ये थोड़ा उठेगा एंड साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि इसको भी ऐसे नीचे कर लू ये दिखाना चाहता है कुछ डन देखो आपको डिस्को करता हुआ नजर आएगा एंड साथ ही साथ हम चाहते हैं कि इसका मुंडी भी थोड़ा सा हिलेगा ये डन एकदम पूरा जिस तरीके से एनिमेशन होता है ना ये आपको फोटोशॉप के अंदर में एटलीस्ट कोई नहीं सिखाने वाला मतलब आफ्टर वैक्स के अंदर में एटलीस्ट कोई नहीं सिखाने वाला सो ये इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल सी किया एंड यहाँ पे जाके हम कर देंगे कंट्रोल वी फिर यहाँ जाएंगे कर देंगे कंट्रोल वी फिर यहाँ जाएंगे कर देंगे कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी अब अगर आप देखोगे तो कितना शानदार दिखेगा देखो आपको लगेगा कि बच्चा हाथ हिला रहा है बाकायदा। कंट्रोल एस करते हैं और इसको हम फुल कर लेते हैं फुल में ये एकदम रियल दिखेगा नहीं तो ऐसे क्या हो रहा था कि थोड़ा अजीब सा दिख रहा था मैं पे क्लिक करके बाहर निकल जाता हूँ अभी आप प्ले करके इसको जस्ट देखो क्या दिख रहा है आपको कह देखो सी देखो कितना रियलिस्टिक आपको ये दिखेगा हाँ था, था। तो ये लोग एड में और आज मैंने ये पढ़ाया है अगले दिन मैं इसको एड में यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे एड में कोई एड बनाओगे और उसको किस तरीके से आप मोशन प्रोवाइड करोगे एंड किस तरीके से उस पर आप काम गई तो इसकी क्वालिटी को थोड़ा सा आप लूज कर लीजिएगा ठीक है सो so क्लियर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं आपको अपना फाइल शेयर करना है फाइनल आउटपुट निकाल के शेयर करना है आपको ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आज के लिए रहेगा इतना ही वीडियो अभी आपको मिल जाएगी तो कोई भी डाउट होगा तो आप पहले वीडियो देखकर ये पूरा टास्क कंप्लीट करें एंड उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप हमसे पूछ सकते